नमस्कार सबको आदाब। मैं दिनेश कुमार जैन, मैं बिलोंग्स टू मुर्शिदाबाद से हूँ। कलकत्ता में मैं काफ़ी दिन से हूँ, लेकिन मेरा जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ। मैं 90% मुस्लिम संप्रदाय के बीच में पैदा हूँ। मेरे एक स्कूल में जो दोस्त है सब मुस्लिम ही थे, तो हम लोग कभी भी सोचे नहीं थे कि मुस्लिम है या हिंदू है। हम लोग एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे, एक साथ खाना खाते थे, कभी भी महसूस नहीं हुआ। शादी में ब्याह में जाना आना हम लोग का जैसे रहता, आपस के भाईचारा जैसा। मैं महबूब रजा साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सब संप्रदाय आदमी को बुलाएं, आप सब पार्टी के आदमी को बुलाएं, जैसे लगता है हम लोग करोना काल में जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला और इतने जन को देखते हुए एक परिवार जैसे लगता है, और हमको थोड़ा ऑक्सीजन मिला। जैसे ऑक्सीजन मिला जी जी, अब डेढ़ साल बाद हम लोग इकट्ठे हुए, इतना पूरा परिवार लग रहा, सबको देखते हैं, कोई कोई जान पहचान के कोई नए है, लेकिन डेढ़ साल बाद इकट्ठा देख के हमको एक ऑक्सीजन मिला। हम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा प्रोग्राम करते रहे। और हम लोग जो सोशल काम करते हैं इसमें हम लोग को प्रेरणा मिलता है, आप लोग जैसे हम लोग को प्रेरणा देते हैं। हम लोग काफ़ी सोशल काम करते हैं, और जब तक तक किसी से प्रेरणा या ऑक्सीजन नहीं मिलता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का प्रेरणा ही हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए साहस जुटाता है। इस कोरोना काल में परिवार से भी हम लोग झगड़ा करके खाना खिलाने जाते थे, आपको मालूम है काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था घर से निकलना, लेकिन जब देखता एक दर्द हो रहा कहीं तो मन नहीं माना, जाते थे। महबूब भाई भी थे यहाँ, एक महबूब आलम भी साहब है यहाँ, उन्होंने मालूम हम लोग यहाँ झोपड़ी झोपड़ी में जा कर हम लोग खाना खिलाए। डॉक्टर ने मना किया, भाई साहब मत जाइए, आप शुगर के पेशेंट हैं। मैं बोले एक आदमी की जान जा रही, हम कहाँ रह सकेंगे। बिल्कुल, हम मुर्शिदाबाद में देखे हिंदू की लाश पड़ी है, भाई बाप नहीं जा रहा। हम लोग के कोई चार पांच में मुस्लिम भाई थे, वो लोग अंधा लेके गए, ये हमारा हिंदुस्तान है। इसलिए मैं सबको इस जाति के और थे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू है या मुस्लिम हो, ये कोरोना काल में जो हेल्प किया, जो सबसे बड़ा हेल्प था, जो शमशान में जो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, हमारे जान पहचान के मुस्लिम भाई लोग बोले नहीं आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग कंधा लेके वो लोग शमशान में जाकर चलाए। उस समय बाप बेटा कोई काम नहीं आया, पड़ोसी काम आया। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कोरोना काल में जो कष्ट हम लोग देखे, अगर अगर ठाट वोट भी आए तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा पहले पड़ोसी को देखे, हिंदू मुस्लिम जैन कोई भी मत देखे, पड़ोसी का आप सब अपना अपना पड़ोसी का एक हेल्प कर लेंगे तो खुदा के पास से आप भगवान को या खुदा को आप हेल्प करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।